नमस्कार। खेती किसानी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी एवं कृषि समस्याओं की सटीक निवारण लेकर आपके द्वार हम लाए हैं पूसा समाचार। पूसा समाचार के इस अंक में मैं डॉक्टर शालिनी गौड़ रुद्रा, वरिष्ठ वैज्ञानिक खाद्य विज्ञान एवं फसलोत्तर प्रौद्योगिकी संभाग, एवं मैं डॉक्टर विशाल सोमवंशी, प्रधान वैज्ञानिक सूत्रकृमि विज्ञान संभाग संस्थान की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को चने में कीट प्रबंधन एवं ग्रीष्मकालीन सब्जियों में महत्वपूर्ण समसामयिक क्रियाओं की तकनीकी जानकारी देंगे। पूसा समाचार के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों से किसान भाई लगातार अपनी समस्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे और अंत में होगी मौसम की खबर। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे संस्थान के चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे YouTube चैनल पर अपलोड किए गए सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक जरूर पहुंचे। किसान भाइयों, दलहनी फसलों में चना एक महत्वपूर्ण फसल है। पिछले अंकों में हमने चने की उन्नत किस्मों एवं रोग प्रबंधन के बारे में आपको जानकारी दी थी। आज हम चने में कीट प्रबंधन की बात करेंगे। खास तौर पर चने में फली छेदक की समस्या बहुत देखी जाती है तथा कई किसानों ने इसके प्रबंधन की जानकारी हेतु हमसे आग्रह किया है, जिसे विस्तार पूर्वक बता रहे हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर सागर डी। दलहनी फसलों में चना एक प्रमुख फसल है। फली छेदक एक प्रमुख कीट है, जिसको हम ग्राम पॉड बोरर भी कहा जाता है। इस कीट का वयस्क अवस्था करीब करीब 700 से 900 अंडे को पत्ती, फूल और पलियों पर देती है। अंडे से बाहर आने के बाद सुंडिया प्राथमिक अवस्था में पत्तियों का खा जाता है। बड़े होने पर सुंडिया फलियों को खा जाता है। और इस कीट का हानि का लक्षण विभिन्न तरह है, जैसे कि सुंडिया का आधा शरीर फलियों का अंदर रहता है और शेष भाग बाहर रहता है। और इस सुंडियों का रंग कई तरह का होता है, जैसे कि हरे रंग से लेकर भूरे रंग तक। इस फली छेदक कीट से अलावा एक और प्रमुख कीट है, वो है स्पोडोप्टेरा एक्सिगुआ एवं बीट आर्मीवर्म। इस कीट का वयस्क अवस्था अंडे को पत्तियों के नीचे गुच्छे में देते हैं। शुरुआत में सुंडियां पत्तों को खाकर पेपर जैसा बना लेती है। बड़े होने पर सुंडियां फली और फूल को खाकर नुकसान पहुंचाते हैं। इन बताए गए प्रमुख कीटों का नियंत्रण के लिए हम एकीकृत कीट प्रबंधन करना जरूरी है। इसमें पहले है कि चने के कटाई के उपरांत गहरी जुताई करना है, जिससे कीट का कोष अवस्था नष्ट होगा। और दूसरा, चने का बुवाई समय पर करना चाहिए और कीट प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करना चाहिए। बुवाई करते समय चने के साथ 50 ग्राम रबी जोवर या सूरजमुखी का बुवाई करना चाहिए, जिससे ये जो सूरजमुखी और रबी जोवर पक्षी को बैठने के लिए जगह दे देंगे और पक्षियों कीटों को खा जाते हैं। और ये जो कीटों का निगरानी के लिए हम फेरोमोन ट्रैप्स का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि एक एकड़ में 5 का हिसाब से इसको फेरोमोन ट्रैप्स को लगाना चाहिए। जैविक कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि 5% नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट अथवा अजाडिरक्टिन 300 ppm 5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। साथ में और जैविक कीटनाशकों जैसा HANPV SCNPV 500 ले प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। और अंत में जरूरी पड़ेगा तो CIBSC सिफारस किए जाए रासायनिक कीटनाशकों, जैसा कि क्लोरांट्रिनिप्रोल 18.5 SC 5 ml अथवा एमामेक्टिन बेंजोएट 5 SC 4 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। धन्यवाद। पोषण सुरक्षा तथा आय वृद्धि को सुनिश्चित करने में सब्जियों का महत्वपूर्ण योगदान है। ग्रीष्मकालीन सब्जियों में किसान भाई मुख्यतः कद्दू वर्गीय सब्जियां उगाते हैं। ग्रीष्मकालीन सब्जियों में अच्छी उपज लेने हेतु इन सब्जियों में महत्वपूर्ण समसामयिक क्रियाओं की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर DS तोमर। ग्रीष्मकालीन बेलदार सब्जियों की बुआई किसान भाई जो कर चुके हैं और उनकी फसल अब 4 पत्तों से या 6 पत्ते की अवस्था में है, तो इस अवस्था में ध्यान रखना है कि आपकी फसल में लालड़ी या कटवर्म कीड़े का अब प्रकोप ना हो। और यह कीड़ा चमकदार लाल रंग का होता है
और इसका नुकसान करने का जो तरीका है वो पत्ती के किनारों से आरंभ करता है और फिर अंदर की तरफ को पत्ती को चाटता चला जाता है। इस प्रकार से पत्ती जहाँ पे इसका आक्रमण होता है वहाँ से सूख जाती है। यह कीड़ा प्रातःकाल में 7 बजे से लेकर के 9 से 11 बजे के बीच तक अत्यधिक सक्रिय रहता है और दोपहर बाद 3 बजे से 5 बजे के बीच में फिर सक्रिय होकर के पत्ती को नुकसान पहुंचाता है। आप जो लकड़ी या चूल्हे की जो राख है, गोबर की उपलों से बनी हुई राख है, उसको आप महीन करके कपड़े में इसको लेकर के पौधे के ऊपर शाम के समय उसको बुरकाव कर सकते हैं और इस प्रकार से आप एक मैकेनिकल बैरियर स्थापित कर सकते हैं। इसमें आप मार्शल एक कीटनाशी है उसकी आप 1.5 ml दवाई प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके आप इसका सब छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा जो प्रमुख कीड़ा है जो कि जिन किसान भाइयों ने अपना खरबूजा, तरबूज, लौकी, तुरई या टिंडा आदि की बुआई सीधे बीज से की है और उसमें जैसे ही बीज जमा होने के बाद उसके जो बीज पत्र बाहर निकलते हैं, यह कीड़ा रात्रि के समय बाहर निकलता है और जो नवोद्भिद है, नया पौधा है, उसको जमीन के ऊपर से काट देता है। और उसके नुकसान के जो लक्षण हैं वो हमको दिखाई देते हैं कि जब आप सुबह खेत में जाते हैं तो आपके जो पौधे हैं वो गिरे हुए मिलते हैं। तो ये कटवर्म का नुकसान है। आप या तो लिंडेन डस्ट है या मिथाइल डस्ट है, आप उसका का बुरकाव जड़ क्षेत्र में कर सकते हैं। कई बार ये भी देखा गया है कि बेलदार सब्जी फसलों में जब हमारी जो प्रमुख फसलें हैं जैसे गेहूं है, सरसों है या और दलहनी फसलें हैं, वो पकने की तरफ जाती हैं तो बहुत सारे कीड़ों का जो शिफ्टिंग है वो इन पत्तियोंदार सब्जियों पे या बेलदार सब्जियों पे हो जाता है। तो ऐसे में कई बार ये भी देखा जाता है कि उसमें माहू का भी आक्रमण हो जाता है, विशेष करके जो खीरा है, ककड़ी है या हमारा टिंडा है। अगर इस प्रकार के नुकसान आपको कीड़ों का प्रकोप दिखाई देता है तो उसके लिए मेटासिस्टोक्स या रोगर या जो है कॉन्फिडोर, तीनों में से जो भी आपको ये कीटनाशक उपलब्ध है उसकी 1 ml दवा प्रति लीटर दर पानी के हिसाब से घोल बना करके उसका छिड़काव करके इसको नियंत्रित किया जा सकता है। अगली बात है कि जो बेलदार सब्जियां जब 1 महीने से या 35 दिन की हो जाती हैं तो उसमें पहली नत्रजन की खुराक देने की आवश्यकता है और नत्रजन की मात्रा वो फसल विशेष के ऊपर निर्भर करती है, लेकिन हम सामान्यतः कहते हैं प्रारंभ की अवस्था में अगर हमारे किसान भाई 10 से 15 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करते हैं, या तो आप पानी देने के बाद जब खेत में थोड़ा गीलापन रहे तो जड़ के क्षेत्र के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा 1-1 चम्मच यूरिया का बुरकाव कर सकते हैं, या जब आप गुड़ाई करते हैं उस समय आप डाल दें। अगर किसान भाई बेलदार सब्जियों में पानी देते हैं तो ये तो वो प्रातः काल में पानी दें और पानी की मात्रा इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए कि पानी का भराव नाली के बीच में रहे या खेत में रहे। खेत गीला रहे लेकिन उसमें खेत में जल भराव नहीं होना चाहिए। या पानी आप शाम के समय दें जब सूर्य की गर्मी कम हो जाती है, तो 5 बजे के बाद आप पानी दें, पानी की मात्रा हल्की रहे, आप उसमें निराई गुड़ाई करके खरपतवार रहित रखें, खरपतवारों को ना उगने दें, क्योंकि खरपतवार हमारी जो है मुख्य फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं नमी के लिए, उर्वरक पोषण तत्वों के लिए और आश्रय देते हैं नुकसान करने वाले कीड़ों को। इस प्रकार से अगर हमारे किसान भाई इन बातों का ध्यान रखते हैं अच्छी आमदनी की उनसे अपेक्षा की जा सकती है। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपकी खेती किसानी से जुड़े प्रश्नों का समाधान बताएंगे। मध्य प्रदेश से बालमुकुंद जी ने गेहूं की फसल में पत्तों में रोग की समस्या बताई है। आपकी फसल में ब्राउन रस्ट की समस्या आ रही है, इसके समाधान हेतु प्रोपिकोनाजोल की 200 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। यदि समस्या पूर्ण रूप से नहीं रुकी हो तो 10 से 12 दिन के बाद छिड़काव को पुनः दोहराएं। चित्रकूट उत्तर प्रदेश से महाप्रसाद जी ने लौकी के पत्तियों के जालीनुमा होने की समस्या बताई है। आपकी फसल में रेड पंपकिन बीटल का प्रकोप हुआ है, इसके समाधान हेतु सुबह के समय डाइक्लोरोफॉस्ट या कार्बोसल्फान की 200 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। ललितपुर उत्तर प्रदेश से राजकुमार निरंजन जी ने मटर में कीट की समस्या बताई है। आपकी फसल में पॉड बोरर यानी फली भेदक कीट का प्रकोप हुआ है, इसके समाधान के लिए नीम के तेल को 5% की दर से छिड़काव करें या
रासायनिक नियंत्रण हेतु स्पाइनोसेड की 60 से 70 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर एक एकड़ में छिड़काव करें। हनुमानगढ़ राजस्थान से रामनिवास जी ने पपीते में पत्तियों के मुड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में लीफ कर्ण विषाणु का प्रकोप हुआ है, इसके समाधान के लिए सर्वप्रथम प्रभावित पौधों को खेत से हटा दें तथा रासायनिक नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड की 60 से 70 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर एक एकड़ में छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। मौसम खबर। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 10 से 13 मार्च के दौरान अरुणाचल प्रदेश में, 10 से 14 मार्च के दौरान जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल प्रदेश में, 11 से 14 मार्च के दौरान उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा के साथ बर्फबारी की संभावना है। 10 मार्च को उड़ीसा में, 12 से 14 मार्च के दौरान पंजाब में, 13 और 14 मार्च को हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। 15 से 17 मार्च के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर वर्षा के साथ बर्फबारी तथा निकोबार द्वीप समूह में वर्षा की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं कि पूसा समाचार का यह अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का आप लाभ उठा पाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी आप फॉलो कर सकते हैं। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। जाना है तकनीकी से समृद्धि की ओर, तो थामे रहिए पूसा समाचार की डोर। अगले सप्ताह फिर आएंगे कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।